हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मौर्या इलेक्ट्रॉनिक्स। गाइस, आपको इस चैनल पर हर एक होम अप्लायंसेस के बारे में, हर एक अपनी मनपसंद वस्तु के बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। गाइस, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, मतलब आप इस चैनल पर नए हैं और आप टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, सो गाइज आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साइड में दिए गए बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। सो दी गाइज, लेट्स बिगिन दी टूडेज वीडियो। उससे पहले आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। सो दी गाइज, आज के इस वीडियो में हम इस सैमसंग के 32 इंच LED टीवी के बारे में ऑल इन्फॉर्मेशन लेंगे, इसकी सभी डिटेल्स जान लेंगे और आपको ये टीवी परचेस करने से पहले ये सब इन्फॉर्मेशन जाननी ज़रूरी है, क्या क्या इसमें फीचर्स आते हैं, कंपनी आपको किस तरह के फीचर्स इसमें देती है और आपको ये सैमसंग का 32 इंच का LED टीवी क्यों खरीदना चाहिए, ये आपको इस वीडियो में समझ आएगा। सो दी गाइज, आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए और इसकी प्राइस क्या है ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। उससे पहले अब हम इसे जल्दी से अनबॉक्सिंग करते हैं और इसकी पिक्चर क्वालिटी, साउंड क्वालिटी और क्या क्या फीचर्स आते हैं इसमें, ये सब देख लेते हैं। सो दी गाइज, आप इसे बैक साइड से देख सकते हैं, ये बैक साइड से किस तरह से। सो गाइज, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इसे पावर कनेक्शन की केबल कनेक्ट करनी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये USB पोर्ट है, इसके साथ आपको 1 USB पोर्ट देखने को मिलेगा और 2 HDMI पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फर्स्ट HDMI पोर्ट से, ये सेकेंड HDMI पोर्ट से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे आप AV केबल भी कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको LAN केबल कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन का पॉइंट दिया हुआ है, आपको एंटीना केबल कनेक्ट करने के लिए भी पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 स्क्रू लगाने के लिए जगह दी गई है। यहाँ पर आपको अगर आपके टीवी को ऑल माउंट करना है तो यहाँ पर एक ब्रैकेट आता है, उसे आपको यहाँ पर फिक्स करके ये 4 स्क्रू फिट करके आपको उसे वॉल पर सेट करना है। अदरवाइज आप इसे टेबल स्टैंड पर भी रख सकते हैं, इसके साथ 2 टेबल स्टैंड आते हैं वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए ये इस टीवी का टोटल साउंड आउटपुट है 20 वॉट्स। इसके साथ आपको 2 स्पीकर देखने को मिलेंगे, ये जो है फर्स्ट स्पीकर है ये 10 वैट का आता है और ये दूसरा सेकंड स्पीकर है ये भी 10 वैट में ही आता है। इस टीवी का आप बैक साइड से देख सकते हैं, इस टीवी की बैक साइड की बॉडी जो है वो प्लास्टिक की बनी हुई है। यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स एंड इंस्ट्रक्शन दी हुई है, इसका मॉडल नेम देख सकते हैं UA32T4410AK LXL। एक्सेसरीज में आपको ये इसके साथ यूज़र मैनुअल आता है, ये केबल आती है जो आपको पावर कनेक्शन से कनेक्ट करनी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए 2 स्टेबल स्टैंड आते हैं, उसे फिट करने के लिए ये 4 स्क्रू दिए हुए हैं। इसे लैन कनेक्शन, मतलब इसे एंटीना केबल से कनेक्ट करने के लिए ये कनेक्टर दिया हुआ है और ये रिमोट है एंड ये बैटरी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सैमसंग का रिमोट, यहाँ पर इसकी सैमसंग की ब्रांडिंग दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके लिए 2 बैटरीज दिए हुए हैं और ये यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। यहाँ पर हमने अभी हमारी शॉप में इसे ऑल माउंट किया है, तो चलिए अभी हमने इसे ऑन किया है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका रिमोट है, यहाँ पर आपको सैमसंग की ब्रांडिंग दी हुई है। सो दी गाइज, इसकी पिक्चर क्वालिटी एंड वीडियो क्वालिटी चेक करने से पहले अब मैं आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगा। ये 4 सीरीज में आता है और इसका मॉडल नेम है UA32T4410AK LXL। इसकी रिजोल्यूशन है 1366x768 पिक्सल्स। इसके लिए 2 HDMI पोर्ट्स आते हैं एंड 1 USB पोर्ट्स आता है। कॉन्ट्रास्ट रेशियो है इसका मेगा कॉन्ट्रास्ट में आता है। पैनल टाइप इसका LED आता है और ये IPS पैनल में आता है। ये टीवी जो है वो IPS पैनल में आती है। IPS पैनल मतलब इससे आप 180 डिग्री में कहीं पर भी बैठकर आप इसे देखेंगे तो इसका व्यू आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। साउंड टेक्नोलॉजी इसकी डॉल्बी डिजिटल प्लस है। स्पीकर आउटपुट RMS इसका 20 वॉट्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका टाइजनिंग में आता है। इसके साथ सपोर्टेड डिवाइस है, कास्टिंग कर सकते हैं आप, इसे मोबाइल कनेक्ट कर सकते हैं और इस टीवी से आप
पीसीबी कनेक्ट कर सकते हैं। इस टीवी का रिमोट जो आता है वो स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम में आता है। पावर रिक्वायरमेंट है एसी वोल्टेज 220 से 240 वोल्ट। पावर कंज्यूमशन है इसकी 55 वोल्ट। इसके साथ आपको चाइल्ड लॉक भी देखने को मिलेगा, ऑटो पावर ऑफ का फीचर भी आपको इसके साथ देखने को मिलेगा। टीवी के लिए कॉम्प्रेसिव वारंटी आती है 1 ईयर की। सो दी गाइस, ये थी इसकी सभी डिटेल्स। अब हम इसकी सेटिंग जान लेते हैं। अगर आपको इस टीवी से वाईफाई कनेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर सोर्स में जाना है, और सोर्स में जाने के बाद कनेक्शन गाइड में जाना है। फंक्शंस दिए हुए, यहाँ पर आप इसे ब्लूटूथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो अगर ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको इस फंक्शन को ओपन करना है। इसके बाद अपने मोबाइल का ब्लूटूथ ओपन कर ये डिवाइस आपको सर्च करना होगा। इसके बाद आप इसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। सो देखा, चलिए सबसे पहले अब हम इस टीवी की सेटिंग जान लेते हैं। होम बटन में जाके आपको यहाँ पर सेटिंग में जाना है। यहाँ पर आपको इसकी पिक्चर क्वालिटी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, पिक्चर मोड यहाँ पर आपको इसे स्टैंडर्ड में ही रखना है, साउंड मोड भी यहाँ पर आप इसे स्टैंडर्ड में ही रखिए। सो ये थी इसकी सब सेटिंग्स। अब हम इसे मोबाइल से कैसे कनेक्ट किया जाता है ये देखते हैं। यहाँ पर आपको मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए सोर्स में जाना है। सोर्स में जाने के बाद यहाँ पर आप कनेक्शन गाइड में जाना है। यहाँ पर आपको स्मार्टफोन दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको अपने मोबाइल से इस टीवी से कनेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उसे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टीवी नेम, टीवी सैमसंग 4 सीरीज 32, ये नेम आपके मोबाइल के कास्ट ऑप्शन पे, मतलब जो कुछ भी आपके मोबाइल में एप्लीकेशन होगा, कास्ट, स्क्रीन शेयरिंग, स्क्रीन मिररिंग, उस पर ये सर्च हुआ होगा, दिखाई दे रहा होगा, उससे आप इसे आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोसेस फॉलो कीजिए, ये टीवी आसानी से मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगा। सो दी गाइस, आपको इस टीवी से वाईफाई से कनेक्ट करना है तो आपको सबसे पहले इसके सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद ओके प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जनरल ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। जनरल ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप नेटवर्क में नेटवर्क ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए और ओपन नेटवर्क सेटिंग। वायरलेस में आपको जाना है। वायरलेस में जाने के बाद यहाँ पर आपको नेटवर्क शो होंगे जो कुछ अवेलेबल होंगे। अभी हमारे शॉप का वाईफाई ऑन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसके बाद पासवर्ड एंटर करता हूँ। इसी तरह से आपको कीबोर्ड दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली इसे कनेक्टेड हो गए हैं। सो दी गाइस, ये थी इसकी सभी इंफॉर्मेशन सेटिंग की और इसके फीचर्स की। अब हम इसकी पिक्चर क्वालिटी देखते केक पेस्ट्रीज के बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज पड़े।
क्या कर दिया। मुझसे ही मुझको जुदा कर दिया। दिल कहता है कसम से कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज्यादा भी होगा तुम्हीं से। मेरी आंखों की दुआ है चेहरा तेरा, अब देखे बिन तुझे ना गुजारा हूँ मेरा, थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। गाइज ये थी इसकी साउंड क्वालिटी एंड पिक्चर क्वालिटी। गाइज ये सैमसंग का 32 इंच का एलईडी टीवी 2021 में लॉन्च हुआ है। सैमसंग के बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में पॉपुलर है और इस टीवी के लिए कॉम्प्रेसिव वारंटी है 1 ईयर की। ये टीवी बहुत ही गुड लुकिंग है एंड इसकी पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। सैमसंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड। इसकी MRP है 25,000, बट ये आपको अप्रोक्सीमेटली 21,000 में मिलेगा। एक्चुअली इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है, बट इसके फीचर्स एंड क्वालिटी बेस्ट है। अगर आप 32 इंच का टीवी ख़रीदना चाहते हैं अपने हॉल या बेडरूम के लिए, तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, वन ऑफ द बेस्ट टीवी है। सो दी गाइज ये थी इसकी सभी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स। सो दी गाइज आपको इसी तरह से सभी TVS के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, सभी TVS के रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। सो दी गाइज आप इस चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू गाइस।